सा सुंदर सा टिकाऊ सा सेगमेंट चालू हो गया है, जिसका इंतजार लोग उसी शिद्दत से करते हैं जिस शिद्दत से पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिट पोल का करती हैं। वैसे एग्जिट पोल्स की तो गारंटी कोई नहीं लेता अंकिल, लेकिन इस सेगमेंट को देखकर आपकी हंसी निकल जाएगी, इसकी गारंटी मैं और बहुआ दोनों लेते हैं। सेगमेंट का नाम है, तो आज हम इंटरव्यू लेने वाले हैं फिर से एक बार देश के सीएम और दिल्ली के पीएम श्री अरविंद केजरीवाल जी का। नमस्कार सर, जोरदार तालियां आपके लिए। हेलो, स्वागत है आपका सर, पन की बात मेरे यानी रौनक के साथ इस प्रोग्राम में। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। कैसा लग रहा है आप फिर से हमारे शो में आए, आपकी दूसरी बार एंट्री हो रही है? मेरे को बड़ी खुशी है। थैंक यू वेरी मच सर, खुशी तो मेरे को भी है कि आप फिर से हमारे शो पर आए। लेकिन सर अब भी कई ऐसे लोग हैं जो हमारे प्रोग्राम के बारे में कहते हैं अरे आता होगा फन की बात वात, पहले इम्पोर्टेंट काम निपटा लें, प्रोग्राम बाद में देखेंगे। ऐसे लोगों से आप क्या कहेंगे? सारे काम होएंगे भाई साहब, चिंता ना करो आप। नहीं तो चिंता मत करो, शो एंजॉय करो। थैंक यू वेरी मच सर, इंटरव्यू शुरू करते हैं। बताओ कितने पैसे चाहिए तुमको? पैसे? इंटरव्यू के बीच में पैसे कहाँ से आ गए? मैं पैसे की कमी नहीं होने दूंगा। अरे सर पैसे की बात ही कहाँ से आई है, मेरे को पैसे चाहिए ही नहीं। जितने पैसे कहोगे उतने पैसे दूंगा। अरे सर भगवान का दिया बहुत है मेरे पास, खर्च करने का टाइम नहीं है, मुझे इंटरव्यू चाहिए, बहुत पैसे हैं, पैसे नहीं चाहिए। कहाँ से आता है इतना पैसा? ये देखो अब बोले कहाँ से आया इतना पैसा, मेहनत मजदूरी करता हूँ, लोगों की इतनी खरी खोटी सुनता हूँ, आपको क्यों बताऊं कहां से आया? आप पहले मेरे को बताइए मैं कैसे मान लूं कि आप असली केजरीवाल जी हैं? है? कुछ सबूत तो दीजिए कि आप असली केजरीवाल हैं। मान गया, ओरिजिनल वाले ओरिजिनल वाले। सर एक बात बताइए, फन की बात कैसा लगता है आपको ये प्रोग्राम? फन ने खाया एकदम फर्स्ट क्लास। बनने का फर्स्ट क्लास, क्या बात है। वैसे आपकी पार्टी के अंदर भी मेरे शो की चर्चा हो रही है? नहीं, पूरी दुनिया के अंदर इसकी चर्चा हो रही है जी। सर जी थैंक यू वेरी मच सर जी। वैसे एक और चीज है जो हम अपने शो में बीच बीच में दिखाते हैं, उसकी भी चर्चा पूरी दुनिया भर में हो रही है, पता है कौन सा है? चला भाई तेरे, ये इस चीज की। सॉरी लेकिन ये वाला वीडियो देख के कैसी फीलिंग आती है सर आपको? सर जी फन्ने खा एकदम फर्स्ट क्लास। बनने का फर्स्ट क्लास। वैसे सर आप तो फर्स्ट क्लास हैं, लेकिन आपकी पार्टी में एक ऐसा आदमी था, या बोलूं कि अभी भी है, मेरे को मालूम नहीं है या क्या है, मतलब उसने एक बहुत थर्ड क्लास काम किया, राशन कार्ड बनवाने का एक नया तरीका निकाला था उसने, उसके बारे में क्या बोलेंगे? ये नहीं हो सकता, झूठ बोल रहे हो। झूठ बोल रहे हो? बाकायदा एक वीडियो भी आया था उनका, है? वीडियो देखकर तो लग रहा था कि भारत में बेशर्मी का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने। भारत भारत ने पूरी दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, पूरी दुनिया का, मानते हैं कि नहीं? वैसे उनकी इस काम को देखकर ना इनको बहुत गालियां पड़ी थी। किसने दी गालियां पता है आपको? दिल्ली के लोगों ने मिलके। मिलके और किसने? आप सब लोगों ने मिलके। मिलके और सबने और क्या? सारे मिलके। सारे मिलके, इसके आगे की लाइन तो अम्मा कंप्लीट करती है। अम्मा सारे मिलके, सारे मिलके हमको पागल बना रहे। अम्मा आप हटिए, सर जी से बात है। सर जी नमस्ते, मैं पूछा था आपकी ईमानदारी के बड़े किस्से सुने हम, कोई एग्जांपल दीजिए ना सर जी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। उदाहरण? बिल्कुल उदाहरण दीजिए, आज तो मौका भी है दस्तूर भी है। बता दीजिए पूरी दुनिया को कि ऐसी कौन सी चीज है जो केजरीवाल जी के बारे में कोई नहीं जानता। केजरीवाल झूठ बोल रहा है। अच्छा और इसके अलावा? केजरीवाल ने दिल्ली में कोई काम नहीं किया। ओ बाप रे। अच्छा और बताइए और बताइए और बताइए। केजरीवाल को सरकार नहीं चलानी आती। नहीं आती है, ये देखिए बस एक ही चीज आती है, क्या आती है केजरीवाल जी को? केजरीवाल लड़ता बहुत है। आप मानते हैं कि आप लड़ते बहुत हैं? सच्ची में? मैं मानता हूँ जी, मैं बहुत लड़ता हूँ। लड़ते हैं तो आप बताइए अन्ना जी को आपने अपने रास्ते से कैसे हटाया? लड़ लड़के अपनी पूरी पार्टी कैसे खड़ी की? लड़ लड़के ईवीएम में गड़बड़ी है ये आप कैसे साबित करेंगे? लड़ लड़के। अच्छा और कल को आपको पीएम बनना हो, प्राइम मिनिस्टर, तो कैसे बनेंगे? लड़ लड़के। बस करिए सर, आप इतना भी नहीं लड़ते हो, मेरे हिसाब से आप झूठ बोल रहे हो, है ना? केजरीवाल झूठ बोल रहा है। झूठ बोल, मैं पकड़ लिया मैंने आपको। केजरीवाल जी क्या सचमुच आप झूठे हैं? आगे की लाइन आप कंप्लीट करिए। अरे तुम्हारे तो कर्म फूटे हैं।
ओहो, कोई बात नहीं, कर्म फूटे तो क्या हुआ, किस्मत में तो रौनक है ना। तालियां। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। इस फूटे कर्म के साथ आपको जल्दी मिलता हूँ केजरीवाल सर जी। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। इंटरव्यू खत्म। वेल, पैकअप और बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है, लेकिन जाने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक चेतावनी देना चाहता हूँ। आप चाहें तो इसे धमकी भी समझ सकते हैं, और ये धमकी यही है कि इस शो को देखकर आप अकेले अकेले क्यों हंसते हैं यार, ये शो और भी लोगों तक पहुंचाएं। थोड़े टाइम में जी न्यूज के यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहां ये शो अपलोड हो जाएगा। शो देखने के बाद अगर आपके कोई कमेंट्स है तो मेरा ट्विटर हैंडल ये गया, इस पे आप ट्वीट कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरी इंस्टा आईडी भी मैं आपको दिखा देता हूं। शो के दौरान कई लोग टीवी स्क्रीन की भी फोटो ले लेते हैं, लीजिए, लेकिन इस पे चिपका भी दीजिएगा। मेरी इंस्टा आईडी दिख गई ना आपको। लेकिन जाने से पहले और एक बार आपको हिदायत दे दूं, अगर आपने इस शो के बारे में और लोगों को नहीं बताया तो आपको ऐसा बॉयफ्रेंड या ऐसी गर्लफ्रेंड मिलेगी कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये एक्चुअली में बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है। चलो आ जाओ अगले शो में मिलते हैं, बाय, लव यू, ला ला, जय हिंद, ला ला, ला ला। एक सेकंड, ला ला ला, माइक भूल गए थे, ला ला।